असलमैल फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू कुक विद राइनीज़ किचन आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ चिकन समोसाज बनाने की बहुत इजी रेसिपी और बहुत इजी सी स्टफिंग भी हम इसके साथ बनाएंगे और कंप्लीट रेसिपी आज मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ और रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और पैलाइकिन चैनल ना भूलें जिससे कि लेटेस्ट अपडेट्स आप कभी भी मिस ना करें और ये बिल्कुल करारे क्रंची समोसा आज हम घर पे ही बनाने वाले हैं इसके लिए सबसे पहले हम फिलिंग बनाकर तैयार करेंगे जिसके लिए यहाँ पर मैंने ऑयल हीट कर लिया और इसमें सबसे पहले थोड़ा सा क्यूमिन ऐड कर दिया थोड़ा सा अनियन डाल दिया कुछ ग्रीन चिलीज़ आप ये सारी चीज़ें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं फिर ये मैंने चिकन लिया है जिसे मैंने बॉयल करने के बाद इस तरह से श्रेड कर लिया और दरअसल मैंने चिकन पीसेस का इस्तेमाल किया था बिल्कुल छोटे छोटे से चिकन को श्रेड किया था उसके बाद जिसकी वजह से बिल्कुल भी नीट लुक नहीं आया है इसमें लेकिन फिर भी ये बिल्कुल सेम ही टेस्ट करता है इसलिए मैंने यहाँ पर इस्तेमाल कर लिया अच्छा ये मैंने घर में बनाया हुआ आलू का मसाला इसमें एक टी स्पून ऐड किया है जिसके लिए मैंने एक जो साबुत वाला होता है वो यूज़ किया है एक्चुअली बिल्कुल सूखी वाली और इसके साथ में ही थोड़ा सा सॉल्ट इन सारी चीज़ों को हल्का सा क्रश करके और फिर इसमें वन टीस्पून स्पून वो मसाला डाला है इसके बाद मैंने इसमें सॉल्ट ऐड किया है और चाट मसाला पाउडर इन दोनों चीज़ों को डालने के बाद बस मैंने इसमें कॉरियंटर डाल दिया है और ये फिलिंग हमारी रेडी थी अब हम इसे स्टफ़ करेंगे और समोसा के लिए आज क्योंकि बहुत देर हो रही थी इफ्तार में इसलिए मैंने यहाँ पर ये रेडीमेड शीट्स यूज़ की हैं अदरवाइज़ इसको बनाने की रेसिपी मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ अपने चैनल पर आप ज़रूर चेक कीजिएगा मैं ऊपर आई बटन में लिंक प्रोवाइड कर दूँगी और यहाँ पर आज मैंने बिल्कुल ये रेडी टू यूज़ समोसा शीट्स का इस्तेमाल किया है और जिन्हें फोल्ड करने के लिए कुछ इस तरह से मैंने प्लेन फ्लार का ये पेस्ट यूज़ किया है और इससे काम काफ़ी आसान हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा क्रंची भी बनते हैं समोसे तो ये बस तैयार है इसे अब हम फ्राई करेंगे तो यहाँ साइड में रख लूँगी और इसी तरह से सारे बना लेंगे फिर ये मेरे बाकी के पकौड़े रेडी हो गए थे और बिल्कुल टाइम हो गया था इफ्तार का बस फ़ॉर ही मैंने इन्हें फ्राई किया और दो मिनट लगते हैं मुश्किल से और ये फ्राई होकर तैयार हो जाते हैं और बस फिर मैं अभी आपको इसका क्रंच साउंड जो इसने प्रोड्यूस किया है वो भी सुनाऊंगी तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा वॉल्यूम को ऑन रखा है और ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसे अपने व्यूज़ मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा चैनल पर नए हैं तो इसी तरह की और रेसिपीज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट करें जिससे कि लेटेस्ट अपडेट्स आप कभी भी मिस ना करें एंड या दिस इज इट फॉर माई टू डेज़ वीडियो फिर मिलती हूँ आपसे एक नई और इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के साथ एंड देन अल्लाह हाफिज़ टेक केयर बाय बाय सी यू ऑल वेरी सून इन माई नेक्स्ट वीडियो